We are attempting this for the second time. Earlier we tried to connect and कुछ ना connection issues आ गए थे and I've been not able to address you for the last 2 days because I've shifted to my new rented place. So वहाँ internet connection नहीं है. Alright, coming back. So please start getting up at 5 AM as we have been talking about it a lot and I've बताया भी है मैंने कि ज़रूरी क्यों है सेल्फ कंट्रोल के लिए. सो लेट मी स्टार्ट दिस वीक विद अ स्टोरी. बीच में स्टोरी करेंगे कभी कुछ हम बहुत पर्सनल बातें करेंगे जिससे यू गाइस कुड गेट मोटिवेटेड. सो आपको बटरफ्लाई के स्टेजेस पता है, लेकून, लार्वा, कोकून एंड बटरफ्लाई स्टेजेस. सो एक टाइम एक बंदे ने बटरफ्लाई का कोकून देखा, उसे उठाया और टेबल पे रखा बिकॉज ही वॉन्टेड टू सी कि बटरफ्लाई उसमें से कैसे निकलता है. ठीक है, थोड़े टाइम बाद उसने क्या देखा, कोकून में देर इज़ अ स्मॉल छेद हो जाता है, गैप बन जाता है एंड द बटरफ्लाई स्टार्ट्स टू कम आउट ऑफ इट. राइट, बटरफ्लाई निकलना शुरू करती है उसमें से. ठीक है, अब घंटे हो गए पर बटरफ्लाई उस छोटे से गैप में से नहीं निकल पा रही है. तो बंदे को क्या लगता है, ही फील्स दैट यार देर इज सम प्रॉब्लम, आई शुड हेल्प दिस पर्टिकुलर कोकून और दी बटरफ्लाई टू गेट आउट ऑफ इट, अदरवाइज ही विल फीलिंग कि यार अंदर से उसको ऐसा लग रहा है दैट दैट बटरफ्लाई इज हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. राइट, सो ही कम्स विद अ सीजर और कोकून को आराम से प्यार से टीयर ऑफ करता है एंड नाउ ही एक्सपेक्टिंग कि यार बटरफ्लाई जो है अब फ्लाई करके दिखाएगी उसे. अगेन घंटे हो गए, बटरफ्लाई तो बन गई बट शी इज नॉट एबल टू फ्लाई. पता है क्यों? द प्रॉब्लम विद दैट इज द कोकून से जब बटरफ्लाई बाहर निकलती है इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, टाइम लगता है उसमें. और जो चैलेंज होता है कि इतने से गैप में से वो जो इंसेक्ट है वो पूरा बाहर निकलेगा, उससे होता क्या है कि जो उसका फ्लूइड सर्कुलेशन होता है दैट गोज थ्रू एंटायर बॉडी एंड दी विंग्स ऑल्सो. जब ह्यूमन ने उसको सीजर से लेके उसके लिए काम आसान करने की कोशिश करी, द फ्लूइड वॉज नॉट एबल टू गेट टू इट्स विंग, उसके विंग में फ्लूइड जा ही नहीं पाया. वो विंग में फ्लूइड जाता ही कब है, जब वो जो छेद से बाहर निकलने की कोशिश करती है बटरफ्लाई, उसकी वजह से उसका सारा फ्लूइड सर्कुलेशन बॉडी में जाता है. बिकॉज इट वॉज स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ दैट हर्डल जो बटरफ्लाई ने क्रॉस ही नहीं करा, वो बटरफ्लाई कभी भी जीवन में उड़ नहीं पाई. दैट्स द मोरल ऑफ द स्टोरी. सो इन द योर सक्सेस पाथ एवरी टाइम यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. अब आपके ऊपर है कि आप उनके ऊपर बैसाखी पकड़ के चलना चाहते हैं, वेदर यू वॉन्ट टू टेक सम एक्सटर्नल हेल्प. इफ यू आर टेकिंग सम एक्सटर्नल हेल्प, रिमेंबर यू विल नेवर बी एबल टू फ्लाई. सो इफ यू वॉन्ट टू फ्लाई, लेट्स स्टार्ट गेटिंग रेडी फॉर इट, लेट्स स्टार्ट वर्किंग फॉर इट, लेट्स नॉट लुक टूवर्ड्स समबडी एल्स फॉर हेल्प ऑल द टाइम. अगर आप मदद ही लेते रहेंगे सारा का सारा टाइम, यू विल नेवर बी एबल टू फ्लाई. दिस इज़ अ वेरी रियल टाइम स्टोरी इन केस ऑफ अ बटरफ्लाई. यू कैन इन फैक्ट गो एंड डू सम रिसर्च ऑन इंटरनेट इंटरनेट विच इज दिस इज रियली अवेलेबल. राइट गाइज, सो इफ यू आर टेकिंग हेल्प हेल्प हेल्प, नथिंग इज गोइंग टू हैपन. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू ऑलवेज थिंक अबाउट एक्सटर्नल हेल्प एज अ कोचिंग. एक्सटर्नल हेल्प का मतलब होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करा तो हेल्प ले ली, प्रॉब्लम हुई तो भाग के खड़े खड़े हो गए. डटे रहो यार, प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी. किसी दिन आप डीमोटिवेटेड भी फील करोगे, किसी दिन आप 5 बजे नहीं उठ पाओगे. डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड, देर इज ऑलवेज अ ह्यूज चांस इन फ्रंट ऑफ यू. नेक्स्ट डे भी तो होगा. अगर आप 5 बजे नहीं उठ पा रहे हैं आज, कल उठें, परसों उठें, बट नेवर गिव अप इट. राइट, बट येस यू शुड स्ट्राइव हार्ड टू डू समथिंग गुड इन लाइफ. राइट, सो यू डू नॉट वॉन्ट टू बी दैट कुकून जिसकी आदमी ने मदद करी और जो कभी भी नहीं उड़ पाई. आप वो कुकून से वो बटरफ्लाई बने जो हमेशा उड़ेगी. ऑलराइट गाइस, डोंट वरी टू मच अगर आप आज लेट हो गए हैं, कुछ भी हो गए हैं. एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, बट इम्प्रूव योर ट्राइंग स्टैंडर्ड. सेट अ स्टैंडर्ड सो हाई फॉर योर सेल्फ दैट उसको कॉपी करना मुश्किल है. ठीक है, हम लोग बहुत बार बात करते हैं कि यार इसको कॉपी कर लेते हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं. अपने लिए इतना हाई स्टैंडर्ड बनाओ कि दूसरा कॉपी ना कर पाए. गॉट इट? बेस्ट विशेस, कीप वर्किंग हार्ड. आई विल कम अप अगेन टुमारो मॉर्निंग जस्ट टू मोटिवेट यू, कीप यू बैक ऑन ट्रैक. दिस इज वॉट वी फील, दिस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट.
A lot of guys still have a confusion that we haven't started the online JEE test series. भैया हम लोगों ने ऑनलाइन JEE टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है. कई लोग कहते हैं वो अफोर्डेबल नहीं है, उन्हें लगता है कि वो 3,000 रुपये की है. इट्स ओनली फॉर 1,500 रुपीज़ वेयर वी आर गिविंग यू मोर देन 100 टेस्ट. गॉट इट गाइस? इफ देर इज स्टिल एनी कन्फ्यूजन, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक करें और टेस्ट सीरीज देना शुरू करें. सेकेंडली, पीपल स्टिल आर आस्किंग सर कॉन्टिनेंटल डिफरेंशिएबिलिटी कोर्स कब रिलीज करोगे. अगेन, हमने रिलीज कर दिया है, उसका भी लिंक नीचे है. प्लीज़ गो एंड स्टार्ट वॉचिंग कॉन्टिनेंटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक्स इन द ITJEE प्रिपरेशन. गॉट इट गाइस? आई होप द वे वी आर वर्किंग, द वे वी आर गेटिंग अप अर्ली is getting productive. I would love to know from the people, जो लोग हमारे साथ पिछले 3 हफ्ते से या 2 हफ्ते से जुड़े हुए हैं इस चैलेंज के लिए, how do you feel getting up early at 5 PM? Oh, sorry, 5 AM, not PM. How do you feel after getting it that early? In fact, I would love if you can give me a video in where you can show the difference before this challenge and after this challenge. I would love to see, and I would love to see that video of you, where it could be a motivating video for others as well, because हर बच्चे को इस समय क्या चाहिए होता है, किस किस को वो फ़ायदा हुआ. तो अगर आपको फ़ायदा हुआ है, please send us, या तो comment ही कर दें, video नहीं बनाना तो comment करें. Otherwise, we love कि आप एक सिर्फ 2 मिनट की वीडियो हमें बना के बताएं कि how this is productive, how this challenge is productive for you. God bless, I'll see you tomorrow. Keep working hard till then. God bless.